Good morning friends, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu newspaper. देखिए आज की हमारी जो सेशन की बात होने वाली है इसमें हम देखते हैं आज के हमारे पास कौन कौन से वर्ड खास होने वाले हैं. आज हमारे पास डेट है अगस्त 10, 2023. आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज हमारे पास में इस न्यूज़पेपर में क्या क्या खास आया था देखिएगा. उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड निकल के आए थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ. आओ समझे कौन कौन से वर्ड आपको परेशान कर सकते थे, लेकिन उस परेशानी को मैंने आपके लिए खुद ने लिया और आपके सामने उनको इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है. प्लीज आओ देखिए. द फर्स्ट वर्ड वी हैव हाइडियस. अगर हम लोग बात करें हाइडियस की, बहुत सारे इसको हीडियस भी बोलते हैं, हाइडियस भी बोलते हैं, ठीक है. दोनों ही टर्म ठीक है, अपने अपने एक्सेंट है. इंग्लिश में हम लोग देखते हैं बहुत से बार एक वर्ड को बोलने के बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसके लिए आप समझें कि वर्ड के एक्सेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. बोलने की शैली अलग अलग हो सकती है. हेलो हेलो हेलो, एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. कौन कौन सा एक्सेंट यूज़ कर रहा है, कोई अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करता है, कोई ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करता है, लेकिन हम इंडिया में जब रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ठीक मानते हैं कौन से वाले को, हम लोग मानते हैं ब्रिटिश वाले को, ठीक है. आओ समझे. अब हाइडियस की अगर हम लोग बात करें या हीडियस की जब बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है, लेकिन उसमें हमने जोड़ दिया OUS. अब OUS जोड़ने से ये वर्ड अपने आप में आपको इतना तो पता पड़ गया होगा कि क्या बनता है, ये एडजेक्टिव. मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोग को बता हुआ है कि जब हम लोग बात करते हैं OUS वर्ड किसी में लगता है तो वो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव की फॉर्म में जाता है. दैट मीन्स किसी की वो क्वालिटी को शो करता है. तो यहाँ पर अब हम लोग देखें इसके साथ जब ये आपके पास में क्या बना हुआ है, ये आपके पास में एडजेक्टिव बना है तो उसका मीनिंग होगा कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके पास क्या हो, अगली हो या अनप्लीजेंट हो. इवन आई कैन से कि अनप्लीजेंट को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंज हो. स्ट्रेंज तो उस कंडीशन में भी वो आपके पास में क्या होगा, हाइडियस होगा, ठीक है. अब देखिए इसके लिए हम लोग मीनिंग क्या क्या देख सकते हैं. और इसके मीनिंग में आप देखो कोई चीज़ अगली है, ठीक है, दो तीन मीनिंग तो यही हो गए, अगली, अनप्रेजेंट, स्ट्रेंज, ये सब इसी के लिए होंगे. टैबू, टैबू भी हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, टैबू. डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग मतलब जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. अब ये जैसे अगर इस फोटो की बात कर रहा हूँ तो इनके पेट में से बहुत सारे ऐसे ये निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत गंदा सा कुछ सीन हो गया है, डिसगस्टिंग हो गया, अजीब सा लग रहा है. कोई नॉर्मल इंसान इसको देखेगा तो उसको एक दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़, बहुत गंदी सी फील होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑफुल, हॉरिबल, सिकनिंग, शॉकिंग, ऑब्सेन, ऑब्सेनिटी इसी से वर्ड बनता है, यहाँ पर ध्यान रखना. ड्रेडफुल, ऑब्नॉक्सियस, ऑफेंसिव, नेस्टी, अनप्लीजेंट, इविल, हॉरिड और लॉथसम और एबोमिनेबल, ये आपके पास में कुछ वर्ड इससे मिलते जुलते हैं. देखिए हम लोग देखें, ये सपोज करें कोई पेंटिंग लगी हुई है. द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज सो हाइडियस दैट, ये दैट है यहाँ पर, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसको आप लोग लिखना दैट, दैट इट हैड टू, ये दैट इट हैड टू टर्न इट अराउंड. तो उसको क्या करना पड़ा, घुमाना पड़ा. क्यों घुमाना पड़ा, क्योंकि इतनी गंदी थी या इतनी अजीब थी वो कि उसको हटाना ही पड़ा या फिर उसको घुमाना पड़ गया. तो हम लोग यहाँ पर बात करें किसको लेके, हाइडियस को लेके. ऑपोजिट में अगर हम लोग देखें कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो उसके लिए ये वर्ड हो गए, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लगती तो प्लीजेंट हो गया, इधर अनप्लीजेंट था वो चीज़ इधर प्लीजेंट हो गया. जो चीज़ हमें प्लेजर देती है उसको हम लोग इधर रखेंगे. तो इनोक्यूअस आपके पास में इसके लिए पहले एंटोनिम हो जाएगा. एक्सेप्टेबल, जिसको सब एग्री कर जाएंगे, ठीक है. अट्रैक्टिव, इम्प्रेस होंगे तो नॉर्मल सी बात है अट्रैक्टिव होगी वो चीज़, जो चीज एक्सेप्ट करते हैं लोग वो उनकी कैसे क्या किस में होती है, डिजायर में होती है, तो डिजायरेबल सेंस हो गया. प्लीजेंट हो गया, डिलाइटफुल हो गया. इनऑफेंसिव, जिसको देख के कोई भी नहीं भड़केगा, ठीक है. और डिलीशियस, डिलीशियस नॉट इन ईटिंग मैनर, हम लोग यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये आपके माइंड के लिए, तो आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हो, किसी को देख के आपको अजीब नहीं लगेगा, आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो. देखिए मैंने आपसे कहा था कि वर्ड्स के जो मीनिंग है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते हैं, आपको अप्रोक्स मीनिंग के आसपास जाना होता है, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव नॉक्सियस. आपको याद है इससे पहले वाले वर्ड में भी एक वर्ड आया था, अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड था इनॉक्सियस, सॉरी ऑब्नॉक्सियस, ठीक है. इससे एक और हम लोग देखें नॉक्सियस. नॉक्सियस क्या होगा, ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है. इवन आई कैन से वो चीज़ आपके लिए कैसी होती है, टॉक्सिक होती है,
ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके लिए नॉक्सिक होगा, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हानिकारक होगा। ठीक है, नॉक्सियस, अब देखो जिस पे भी इस तरह का जो साइन होता है वो आपके लिए, ये इस टाइप का जो साइन बना हुआ है आपके पास में, तो ये सारे जो साइन होते हैं ये कहीं ना कहीं डेंजर के साइन होते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आपको याद है एक मूवी आया था पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें भी सेम ऐसा ही सिनेरियो बेटा था ना, बोलो ना। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए कैसी है? पॉइजनस है, जहरीली है, टॉक्सिक है, नॉर्मल सी बात है, एक और वर्ड आ जाएगा अनहेल्पफुल है, ठीक है, अनहोल्सम, ठीक है, नॉइजम, अनहेल्दी, सिकली, इनसॉलोब्रियस, इनसैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी मतलब होता है हाइजीन और इनसैनिटरी मतलब जहाँ पर गंदगी हो रहा, अनसैनिटरी, दोनों वर्ड इसमें हो सकता है, इन भी लग सकता है और अन भी हो सकता है। अब आप बहुत सारे सोचते हैं कि सर सर हमने तो आज तक इनसे ही देखा है, कोई कहेगा सर हमने आज तक अन से ही देखा है। दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो टाइपो टाइप वर्ड होते हैं। आप एक टर्म सर्च करना, टाइपो टाइप वर्ड, जो टाइपो टाइप वर्ड होते हैं उनको क्या होते हैं कि वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते, उनको अभी स्लैंग के रूप में ही यूज़ किया जा रहा होता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं टाइपो टाइप वर्ड। ठीक है, दैट्स वाई। तो समझना, अनहाइजीनिक हो गया आपके पास, लेथल हो गया, लेथल मतलब जो जानलेवा होता है आपके पास में, फैटल जर्मी हो गया, नॉन न्यूट्रिशियस हो गया, मॉर्टल हो गया, मॉर्टिशियस मॉर्टल जो एकदम खत्म होएगा, द फ्यूम्स फ्रॉम द केमिकल वर क्वाइट नॉक्सियस, जो लपटे वहां से निकल रही थी, जो धुआं के जो गुबार वहां से निकल रहे थे, किसमें से? केमिकल में से, वो क्या थे? थोड़े से नॉक्सियस थे, हानिकारक थे, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉक्सियस। अब उसके लिए ऑपोजिट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जो आपके लिए हेल्थफुल होंगे तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हेल्थफुल को हमने यहाँ पर लिख दिया, हेल्थफुल जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, न्यूट्रिशियस हो गया, हाइजीनिक हो गया, या आपके पास में क्या हो गया, सारे इसके लिए ऑपोजिट वर्ड दैट मीन्स एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट आपके पास में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिफर। से अगेन, डिफर, वापस बोलो, डिफर। डिफर की अगर हम लोग बात करें, कोई चीज़ को आप क्या करते हो, लीव समथिंग अनटिल अ लेटर टाइम। इजी वे में अगर आप देखो तो किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो आगे के लिए, तो उसे हम लोग यूज करते हैं डेफर। ठीक है, डेफर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिएगा, आई विल डेफर माई वेकेशन प्लान्स अनटिल नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोग समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास में कभी भी अगर आप देखते हो तो जो डेफर वर्ड है वो हमेशा किसकी बात करेगा, पोस्टपोन करने की बात करेगा। मैं ये जो आपके लिए एक्स्ट्रा लाइन जो लिख के लेके आता हूँ आप हमेशा, वो अब इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि कहीं ना कहीं इससे एक सेंटेंस के थ्रू आप उसके मीनिंग को ग्रैप करने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग से अब हम लोग सेंटेंस को लेके ही चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आई विल डेफर माई वेकेशन प्लान्स अनटिल नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में करूंगा, तो अभी तो नहीं कर रहा ना, सो वी कैन से कि उसने अभी इस प्लान को तो या वेकेशन को क्या किया है, पोस्टपोन किया है। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से एडजर्न किया है, डिले किया है, एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है, होल्ड अप हुआ है, पोस्टपोन, ये वर्ड आ गया ना, प्रोलोंग किया है, सेट असाइड किया है, शेल्व किया है, स्टोर किया है, सस्पेंड किया है, वेव किया है, ब्लॉक किया है, डिटेन किया है, हिंडर, इम्पेड और इंटरमिट आपके पास वर्ड हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट हम लोग देखें इसके लिए, तो आगे बढ़ाना मतलब पहले ही कर लिया। ठीक है, आपने एडवांस में उस काम को करके रख लिया, आपको प्रोजेक्ट मिला था कि अगले महीने आपको इसको करना है, आपने इसी महीने करके दे दिया, हो गया ना, एडवांस में आपने काम किया। अलाउ किया है, कैरी आउट किया है, कंटिन्यू किया है, डू किया है, एक्सपेडिट किया है आपने, और या फिर फॉरवर्ड या फिर फर्दर इसमें वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, जैसे सपोज करना, अब ये मैम थे यहाँ पर रख के जाने वाले थे इसको, नहीं लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, लो चलो खेलते हैं अभी वापस से, तो वापस से तैयार हो गए, वापस से उस कोर्ट में आ गए वो और खेलने लगे, तो उन्होंने क्या कर लिया इसको यहाँ के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव आउटले। अगर आउटले की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आउटले को मैं अभी आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार इस सेंटेंस के ऊपर निगाह डालें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता होगा। द आउटले फॉर द न्यू कंप्यूटर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर कैसे आएगा, पैसे से आएगा, वॉज विद इन माई बजट, मतलब उसके बजट में था, तो कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही है पैसे में, मतलब उसके खर्च में था, और खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, वे एक्सपेंडिचर,
ठीक है, एक्सपेंडिचर जो आपके पास में होते हैं या स्पेंडिंग जो भी आपके पास में होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटले। तो आप समझे इस बात को, इजीली आप लोग सेंटेंस के थ्रू वर्ड के मीनिंग को ग्रैप कर सकते हो। ठीक है, तो मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। आप किसी भी काम के लिए कुछ अगर पैसा यूज करते हो या एक्सपेंडिचर करते हो या फिर स्पेंड करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में आउटले, जो आपको आगे जाके कमा के देने वाला है उस पैसे को आप बोलते हो आउटले, उस खर्चे को आप बोलते हो आउटले। डिसबर्समेंट, कभी भी अगर कहीं से कोई लोन का अप्रूवल होता है तो उस अमाउंट का क्या होता है, डिसबर्समेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो डिसबर्समेंट होता है वो आपको आगे जाके उसी में से पैसे कमा के देगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब दोनों सेंस से आप एक्सपेंडिचर भी उसमें काउंट कर सकते हो और इवन इन्वेस्टमेंट भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने इन्वेस्ट किया है उसको। प्राइस टैग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, बाइट हो गया, चार्ज हो गया, कॉस्ट हो गया, डैमेज, स्कोर, सेटबैक, टैब, थ्रू, ट्यून और बॉटम लाइन, ये आपके पास में वर्ड हो गया। देखो इस टाइप से हम लोग बजट को निकाल के देखते हैं, रूफ, लेवर, वुड, ये सारा आपका। ऑपोजिट क्या होगा, आपने खर्च किया उसका क्या हो गया, ऑपोजिट में सेविंग्स हो गया, ब्लेसिंग हो गया, बून हो गया, इनकम हो गया, या फिर पे आउट किया आपने, बस ये आपके पास कंडीशन निकल के आएगी। तो इजी वे है इस वर्ड को समझने का। अब चलो आगे चलते हैं इसको लेके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्लॉय। अगर हम लोग बात करें प्लॉय, तो प्लॉय में अगर आप कहीं पर किसी को साथ लेके चलते हो या उसी की चाल में चलते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पर कंडीशन क्या रख रहे हो, प्लॉय का कंडीशन रख रहे हो। कैसे, समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो उसमें में जो आप कर रहे हो, टू प्रस्यूट समबडी टू डू समथिंग, ताकि कोई और भी वैसा करे, तो उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं प्लॉय वाली कंडीशन होगा। यहाँ पर जैसा ये है तो इनको देख के अब ये इधर से क्रॉस करेंगे तो उस कंडीशन में ये देख रहे हैं इनको कि ये कैसे करते हैं, और उसी वे में ये भी चलेंगे और फिर ये दोनों इस पहुँचेंगे। डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए, मैन्यूवर हो गया, रस हो गया, स्कीम, स्कीम जो सभी के लिए होगी, स्ट्रेंथन हो गया, नहीं स्ट्रेटजेम हो गया आपके पास में, सब्टरफ्यूज हो गया आपके पास में, टैक्टिक हो गया, आर्टिफाइस हो गया आपके पास में, कॉन्ट्रीवेंस हो गया आपके पास, डॉज हो गया, फेंट हो गया, गैम्बिट, मूव, प्ले या वाइल्ड, आप इसमें देख सकते हो। अपोजिट इसके देखें तो अंडो, आप किसी चीज़ को वहाँ से हटा रहे हो, अब कोई और आएगा वहाँ पर, रेफरेंस किया है आपने या फिर किसी को क्या किया है, फ्रेज किया, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्लॉय। ठीक है, तो ये वर्ड आपके पास में उसके लिए हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओमिनस। ओमिनस की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज ऐसी होती है जो अच्छी नहीं होती, अपशकुन टाइप से जो होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है उनमें अपशकुन या इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थॉट रखे गए हैं अभी भी, तो अपशकुन टाइप का जो चीज होता है वो आपके पास में ओमिनस होगा। ठीक है, सजेस्टिंग, ये सजेस्टिंग है, ठीक है ना, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। हम किसी को बता रहे हैं, आप देखोगे किसी पंडित के पास जाके आप बोलोगे भैया क्या क्या हो, अरे तेरे तो इसमें ये होने वाला है, वो हमेशा वो बुरा बताएंगे, अच्छा ही कम बताएंगे लेकिन बुरा ही ज़्यादा निकल के आएगी उसमें हमेशा। ठीक है, इसी के लिए आप देखोगे एक मूवी बन के आया था एपोक्लिप्स, उसी का वर्ड जो है एपोक्लिप्टिक। अगर एपोक्लिप्टिक की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ जो बुरी होने वाली है, आगे डेंजरस होने वाली है, डार्क होने वाली है, डायर होने वाली है, डिसमल, ग्लूमी, ग्रीम या हॉन्टिंग, हॉन्टिंग दैट मीन्स बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली है। दोज ब्लैक क्लाउड्स लुक ओमिनस, वो जो काले काले बादल हो रहे हैं उनको देख के कुछ डरावना सा फील हो रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो ओमिनस वाली होती है। पेरिलस होती है आपके पास में, पोर्टेनस होती है आपके पास में, प्रोफेटिक होती है, सिनिस्टर होती है, थ्रेटनिंग हो सकती है, उगुरल हो सकती है आपके पास में, बैलफुल हो सकती है और बैनफुल हो सकती है। ये सारे वर्ड आपके पास में किसी के लिए अपशकुन को हम लोग दिखाने की कोशिश करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपशकुन, एक सेकेंड, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, इसको भी हटा दिया, अब इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अपशकुन, ठीक है ना, तो ये हमारे पास वर्ड हो गए। ऑपोजिट इसके देखें तो ऑपोजिट देखो भैया, अब देखो ऐसे कभी आप रात में सो रहे हो और सोते सोते वहां पर आपकी खिड़की पे आपको ऐसा कुछ देखे, ऐसे डर जाओगे ना, अरे बोलो ना, डर जाओगे ना, तो जब इसी सिचुएशन निकल के आएगा ना तो वो चीज क्या होगा आपके पास में, ओमिनस वाला होगा, दैट मीन्स ब्राइट। ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज खुली है,
चीयरफुल है, एनकरेजिंग है, गुड है, हैप्पीली है, होपफुल है, जॉयफुल है या फिर लाइटिंग में है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में इसमें ऑपोजिट जाएगा। लेकिन ओमिनस तो बुरा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इग्नाइट। किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। देखो वोकैब के सेंस में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इग्नाइट का मतलब वैसे तो शुद्ध जो मतलब होता है प्रज्वलित करना, ठीक है, टू एनलाइट करना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक वे में देखेंगे तो टू मेक समथिंग स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट भी यहाँ पर वर्ड आपके पास में, किस चीज़ को आप जला के स्टार्ट कर रहे हो, इग्नाइट कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। आपको याद है अगर आप लोगों ने एक मूवी देखा हो तो देयर इज अ मूवी हैरी पॉटर, उसमें वहाँ पर एक बाउल होता था जो किसी भी सेरेमनी या फिर आई थिंक गेम वगैरह को स्टार्ट करने के लिए जलाया जाता था, तो वो वहाँ पर इग्नाइट किया जाता था उस टाइम पे। इग्नाइट को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बर्न किया जा रहा है। एक इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में एक क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब, या फ्रेजल वर्ब आपके पास में ये हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्लेयर अप, फ्लेयर्स मतलब आग जलाने का काम हुआ है, अनफ्लेम हुआ है, कैंडल हुआ है, इनकैंडल हुआ है, फायर हुआ है, लाइट हुआ है, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स हुआ है, केंच फायर हुआ है, पुट मैच टू हुआ है, सेट अलाइट हुआ है, सेट फायर टू हुआ है, स्टार्टअप हुआ है, टेक फायर हुआ है या टच ऑफ हुआ है, तो इसको हम लोग इस वे में कह सकते हैं। एंटोनिम की अगर हम लोग बात करें इसके लिए तो कोई चीज़ ठंडी हो जाए, एक्सटिंग्विश हो सकता है, पुट आउट हो गया, क्विंच हो गया या फिर डल हो गया, जिसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, बस बुझी हुई है कोई चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं और कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये आपके पास इस टाइप से। ठीक है, द स्पार्क फ्रॉम द इंजन इग्नाइटेड द पेट्रोल। अब क्या हो रहा है कि जो स्पार्किंग निकली थी, जो चिंगारी निकली थी कहाँ से, इंजन से, उन्होंने उनकी वजह से जल गया, क्या कहाँ पर पहुंचा जल के, वो पेट्रोल तक, तो पेट्रोल जलने लग गया उससे और पेट्रोल जला और उसके बाद तो फिर आगे का काम अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है उसमें तो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्लंट। वापिस बोलो ना ब्लंट। देखो एक तो आप बोलते नहीं हो, नाराज हो नहीं होना तो प्लीज साथ के साथ बोलते हो चलो। वर्ड लिखा हुआ है ब्लंट, वापिस से बोलेंगे ब्लंट वर्ड। अगर ब्लंट वर्ड को अगर हम लोग देखें तो विदाउट अ शार्प एज और पॉइंट, जिसमें आपके पास में शार्प एज नहीं होता है, ठीक है, या पॉइंट नहीं होता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास ब्लंट होता है। देखिएगा कैसे इसका मीनिंग देखें, द नाइफ्स ब्लेड, यहाँ पर ये इसकी बजाय बी एल ए डी ई होना चाहिए था ना, हाँ, तो द नाइफ्स ब्लेड हैड बिकम डल एंड ब्लंट ओवर टाइम। डल मतलब थोड़ा घिस गया, वो पुराना टाइप का हो गया, और ब्लंट मतलब बिल्कुल भोटा सा हो गया, वो भोथरा जिसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है, वो हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लंट। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी शार्प नहीं है ये, अगर इसमें आगे से ऐसा पॉइंट होता, ये ऐसा वाला पॉइंट जैसा कि एक पेंसिल वगैरह में स्टार्टिंग में होता है, तो उसे हम लोग कह सकते थे कि वो उस टाइम पे ब्लंट नहीं होकर कैसा है, शार्प है, निडल टाइप में है, और पक्का इसके ऑपोजिट में निडल भी होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहले इधर चलते हैं। सिनोनिम में आपके पास में अब्रप्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, ग्रफ हो गया, कर्ट हो गया, आउटस्पोकन हो गया, बर्स्क हो गया, आपके पास में रूड हो गया, ब्लफ हो गया, हॉनेस्ट हो गया, स्नीपी हो गया, अंद सेरेमोनियस हो गया, क्रस्टी हो गया, डाउन राउट हो गया, डाउन राइट हो गया, क्रास हो गया, ब्रस्क हो गया, और इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसका मीनिंग हो जाएगा। अरे हुआ नहीं हुआ, बोलो ना, हो गया। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, सॉरी अभी तो इसका एंटोनिम नहीं देखा, आगे कहाँ चलेंगे रे भाई, ठीक है, इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, शार्प। अगर कोई भोटा है तो उसका ऑपोजिट जो शार्प ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस पेन, इफ यू कैन सी इट, ये इसका जो एज है वो आपके पास अगर आप देखोगे तो ब्लंट है, लेकिन इस साइड क्या है, ये शार्प है। अगर मैं इसको इस साइड पे चुपाऊंगा तो मेरे को दर्द होएगा, ठीक है, ऐसे, लेकिन अगर इस साइड से करूंगा तो मेरे को नहीं, इतना फील नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगा। आइए, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आपके पास में शार्प हो गया, पॉइंटेड हो गया, कीन हो गया, और कटिंग हो गया, एजेस्ड हो गया, एज्ड हो गया, ग्राउंड हो गया, एजी हो गया, और शार्पन्ड हो गया, ये आपके पास के लिए वर्ड हुए। चलो आगे बढ़े। हाँ, रेटिसेंस। रेटिसेंस की अगर हम लोग बात करें, जो बोलने की इच्छा ही नहीं करती हो किसी की, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे नर्ड टाइप के होते हैं, तो बस शांति चाहिए होता है उनको, लाइब्रेरी
वगैरह में आप जाओगे तो सब ऐसे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो कम बोलते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू स्पीकिंग फ्रीली रेस्टोरेंट, ठीक है, जहाँ पर बोलने की बात कम होती है, हिज रेटिसेंस ड्यूरिंग द मीटिंग रेज्ड सस्पिशंस अमंग द टीम मेंबर्स। मतलब आप इसको ऐसा बोलो चुप्पी, उल्टा पुल्टा नहीं समझ ना रहे इसको, ये चुप्पी है, ठीक है, तो चुप्पी। तो उसकी जो चुप्पी थी किसके दौरान, मीटिंग के दौरान। आप यहां तक भी अगर समझ जाओगे ना, इस सेंटेंस को पढ़ के देखोगे, मीनिंग अपने आप निकल के आ रहा है, ऐसा वर्ड ही नहीं है वो कि उसका मीनिंग नहीं निकल के आया, सेंटेंस इतना अच्छा है वो, ठीक है। मैं समझाता हूँ, हिज रेटिसेंस यानी कि उसकी जो चुप्पी थी ड्यूरिंग द मीटिंग, किसके दौरान, मीटिंग के दौरान, रेज्ड सस्पिशंस, तो उसने क्या किया, संदेह पैदा किया अमंग द टीम मेंबर्स, किसके दिमाग में चल क्या रहा है रे, सोचो ये चुप क्यों है आज इतना। बहुत सी बार होता है ना, कोई बहुत बोलने वाला हो एकदम से चुप होके बैठ जाए, नहीं नहीं बोलूंगा मैं आज, तो समझ रहे हो बेटा, दाल में कुछ काला है उधर, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम वही है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें, सिनोनिम्स अपने पास हो जाएगा, रिलक्टेंस हो गया, हेजिटेंसी हो गया। हेजिटेंसी अलग वर्ड है, हेजिटेट के सेंस में जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई मर्जी से नहीं बोल रहा है तो वो वर्ड है। अनविलिंगनेस हो गया, हेजिटेंस हो गया, डाउट हो गया, डिसइंक्लिनेशन हो गया आपके पास में, स्केप्टिसिज्म हो गया आपके पास में, हेजिटेशन हो गया, ऑलरेडी ये वर्ड आ चुका है ना, ठीक है। सस्पिशन हो गया आपके पास में, इनडिसिजन हो गया आपके पास में, अनसर्टेनली हो गया, वेसिलेशन हो गया, इररेजोल्यूशन हो गया आपके पास में, वेवरिंग हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया आपके पास में, फैल्टरिंग हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इसके लिए सिनोनिम का काम करेंगे। लेकिन ऑपोजिट क्या होगा, जो मर्जी से खुद से बोल रहा है, विलिंगनेस, ठीक है। अब ये विलिंगनेस के एक तो इच्छा और एक अनिच्छा, ठीक है, जो इच्छा से बोल रहा है और एक बिना इच्छा से बोल रहा है, तो ये अभी तो उसका मीनिंग चल रहा है। इंक्लिनेशन, कन्विक्शन, कन्विक्शन इसके लिए ठीक वर्ड है, इस वर्ड के ऑपोजिट देख रहा हूँ मैं, अश्योरेंस, सर्टेनिटी, श्योरिटी और सर्टिट्यूड, अश्योर्डनेस आपके पास में इसके लिए वर्ड है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं है बट मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। होता ना रिंगा रिंगा, ब्लंटी, ब्ला 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 ब्ला, ये इस तरह की जो फ्रेजेस हैं या इस तरह की जो स्लैंग है, ये इसी वे में काम मिल जाता है कि बहुत बोलता है वो, लेकिन यहाँ पर चुप होने की बात हो रही। अपोजिट वर्ड वी हैव, सॉरी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सपेंडिशियस। अब एक्सपेंडिटीज का अगर हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिश की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक्सपेंड ही वर्ड आपके पास में किसी चीज को क्या करता है, ग्रोथ को शो करेगा। उस चीज में क्या हो रहा है रे, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब आप देखते हो ना, कोई कंपनी था, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर उस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आप ऐसे ग्राफ करके देखते हो ना, ग्राफ देखते हैं अपन किसी चीज का, तो वो चीज आपके पास ग्रोथ को दिखाती है। तो डन समथिंग डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिटीज आपके पास में वर्ड है। सिनोनिम्स के लिए होगा डिलीगेंट हो गया आपके पास में, एफिशिएंट हो गया, हैस्टी हो गया, पंक्चुअल हो गया, रैपिड हो गया, स्विफ्ट हो गया, एक्टिव, अलर्ट, ब्रेक नेक, नेक ब्रेक नेक मतलब फटाफट से कोई काम कर रहा है वो, ब्रिस्क हो गया आपके पास में, इफेक्टिव हो गया, इफेक्चुअल हो गया, फास्ट, फ्लीट, इंस्टेंट, निम्बल, निम्बल एक अच्छा वर्ड है, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखना है ना, SSC इस टाइप के वर्ड को पूछता है, UPSC में बहुत बार पूछ लेते हैं इनको, ठीक है। ऑपोजिट देखिए हम लोग, डिले, लेजी, स्लो, पॉकी, ठीक है। टू पॉक समवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, टू पॉक समवन, टू पॉक किसी को जबरदस्ती ऐसे उंगली कर रहा है रे, ऐसे निकलते टाइम ऐसे करके निकल रहा है, ये पॉक करना है किसी को, आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती छेड़ रहे हो, तो वो आपके पास पॉक करने वाला है। आपको याद है पहले एक चलता था फेसबुक या ऑरकुट ऐसा कुछ था, फेसबुक तो खैर अभी भी चलता है, ऑरकुट अभी बंद हो गया, तो उस पर पॉक करने का ऑप्शन आता था, आई थिंक फेसबुक पे ही आता था, तो पॉक करने का ऑप्शन था। ये भाई सब जो बैठे हैं पेंसिल के ऊपर ही ग्रोथ को शो कर रहे हैं कि ये यहाँ था पहला, अब इधर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जरा, प्रोवेस, ऐसा नहीं लगा पावर जैसा फील हो रहा है, पावर मतलब डिशुम डिशुम, ठीक है। प्रोवेस को अगर हम लोग देखें, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, ठीक है, आप किसी भी चीज को लर्न कर समथिंग, या फिर किसी चीज को आप इजीली लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस के सेंस में, ठीक है। किसी चीज को आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हो, आपको कोई ऐसे करके मार रहा था और नेक्स्ट जो सामने वाला बंदा था
उसने भी आपके पास में यही पंच यूज किया, तो ये चीज आपके पास क्या हो गई कि उस चीज के लिए आपने क्या किया था, प्रोवेस किया था, दैट मीन्स आपने उस चीज को अडेप्ट कर लिया, जो उसका था वो आपने कर लिया। इवन आप देखो कंप्यूटर वगैरह में, आप देखोगे तो कंप्यूटर वगैरह आजकल यही तो कर रहे हैं, इंसान जो भी करते हैं सेम टू सेम उसके जैसा कर देते हैं और इवन उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोवेस के सेंस में जाता है, अडेप्टनेस हो गया, एड्रोइटनेस हो गया, अटेनमेंट, अटेन दैट मीन्स कॉन्शियसली उसको देखते हैं वो, कमांड करते हैं, डेफनेस हो गया, एक्सपर्टनेस हो गया, फैसिलिटी हो गया, स्लेट हो गया, डेक्सटेरिटी हो गया, आपके पास में एक्सेलेंस हो गया, एक्सपर्टीज हो गया, जीनियस हो गया, मास्टरी हो गया, रेडनेस रेडीनेस हो गया, आपके पास में टैलेंट हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, अपोजिट वर्ड इसके लिए देखें तो जो अडेप्ट नहीं करेगा उसको क्या होना पड़ेगा, फेल। एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है बट फिर भी मिलता जुलता निकल के आएगा। इन एबिलिटी हो गया, इन कैपेसिटी हो गया, आपका लैक करना हो गया कहीं पे, कावड़िस हो गया आपके पास में, और वीकनेस हो गया आपके पास में, ये इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हम लोग देख रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्लेयर अप। अब फ्लेयर अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, तो वी कैन से ये आपके पास में किस कैटेगरी का वर्ड है, फ्रेजल वर्ब का। आपको याद है पहले भी आया हुआ है, किस चीज में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, आग लगने के सेंस में आता है ना फ्लेयर, तो फ्लेयर गन वगैरह होता है, तो फ्लेयर अप। अब यहाँ पर वो आग वाग का कोई सेंस नहीं रहा, कोई कोई मतलब नहीं है उसका यहाँ पर। अब देखें फ्लेयर, तो फ्लेयर की अगर हम लोग बात करें, टू स्टार्ट सडनली और टू बिकम सडनली वर्स, कोई चीज़ स्टार्ट होती है फटाफट से, आपने स्टार्ट किया, अपने आप हो गया, अचानक से हो गया। आप देखो कभी आपके पिंपल वगैरह आता है तो वो कैसे होता है, अचानक ही तो आता है रे। अब कोई चीज़ अचानक से आती है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास फ्लेयर अप हुआ। ठीक है, कोई इंसान आपसे बात कर रहा था, बात करते करते एकदम से उसका दिमाग खराब हुआ, ये जो सिचुएशन अगर हम समझें, तो पहले तो शांत था लेकिन अचानक से वो भड़क गया, फ्लेयर अप हो गया। ठीक है, अनोयंस, अनोय क्या होगा उसको, तो ही हुआ है वो। कॉन्फ्यूजन हो गया आपके पास, डिसप्लेजर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन मतलब पहले शांत था अब एकदम से फूट गया, फिट हो गया, फ्लेयर अप हो गया, हफ हो गया, इंडिग्नेशन हो गया आपके पास में, आयर हो गया, मिफ हो गया, निडल, आउटबर्स्ट हो गया, आउटबर्स्ट मतलब ही फटना ही होता है, ठीक है ना। ठीक है, पिक हो गया आपके पास में, रिसेंटमेंट हो गया, सीन हो गया, और टेंट्रम हो गया। टेंट्रम भी कहीं पर किसी पे भड़कते हैं तो टेंट्रम। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड अगर हम लोग देखें, काम, कोई शांत है, चीयर है, मस्त है, कंपोजर है, लाइट है, हैप्पीनेस दिखा रहा है, जॉय दिखा रहा है, लव दिखा रहा है, या फिर पीस दिखा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इधर। ठीक है, ये आपके पास वर्ड थे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव नज। अगर आप किसी को नज करते हो, नुजगे नहीं पढ़ना इसको, नज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, नज। नज अगर कर रहे हैं हम लोग, तो टू टच और पुश समबडी और समथिंग विद योर एल्बो, एल्बो भी हो सकता है, ऐसे उंगली से भी कर सकता है तुम, ठीक है। तो टू गिव समबडी अ नज दैट मीन्स किसी को छेड़ना, अगर नज कर रहे हो आप दैट मीन्स छेड़ रहे हो। तो ऑपोजिट मतलब सिनोनिम देखें इसके, तो डिक क्या हो गया, डिक हो गया, जैब हो गया, आप जैबिंग कर रहे हो उसके साथ में, जॉग कर रहे हो आप, जॉगिंग करो नहीं हो पाएगा, जैब जॉग जॉग ही है, पॉक करना है, याद है ये वर्ड आपने देखा था इधर। ठीक है, प्रोड हो गया, पंच हो गया, पुश हो गया, शो हो गया, टैप आप किसी के ऊपर, क्या हाल चाल, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसे नज कर रहे हो, टच कर रहे हो। ठीक है, एंटोनिम्स का देखें, डिस्करेज हो गया, क्या हो गया, डिस्करेज मतलब उसने एक बार डांट दिया, अगली बार नहीं करेगा तुम, ठीक है। पुल, उसका ऑपोजिट, नज नहीं किया, सीधा खींच लिया। हाँ, डिस्यूड हो गया आपके पास में, रेप्रेस हो गया आपके पास में, ये वाला वर्ड आपके पास में, ठीक है। इसी के लिए अगले वर्ड देखें हम लोग, ये देखो इसमें एक फोटो बना था ना, ये इंसान चल रहा था जबरदस्ती, उसको उसके बॉस ने ये किया, तो ये चीज़ आपके पास में नज करना होता है, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। स्पेक्टिकल्स, अब स्पेक्टिकल जो वर्ड यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अभी इस सेंस में तो ये आपके पास में कन्फर्म है कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, वर्ब मानेंगे। लेकिन अगर यही वर्ड आपके पास में LES ऐसा लिखा हुआ होता, तो ये उस कंडीशन में आपके पास में ये नहीं होकर क्या होता, ये होता नाउन, सिंपल। और स्पेक्टिकल्स जो भी आपके आंखों पे आप पहनते हो, तो इन दोनों आंखों के लिए होता है। तो कोई भी अगर आपके पास में आइडेंटिकल पार्ट्स मिलके एक एंटिटी को बनाते हैं, एक टूल को बनाते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ आपके पास में वर्ब है और LES लगा हुआ होगा तो वो नाउन में जाएगा, ठीक है ना। तो समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव और शॉकिंग टू लुक एट,
ठीक है, सपोज करो किसी को नंबर हो और अगर वो देखेगा तो उसको मजा नहीं आएगा, चश्मा लगा के देखेगा, ओह मजा आ गया उसको, ठीक है, याद है वो हाँ, कहाँ का वर्ड था ऐसा, अरे एक वर्ड था ना, मतलब नहीं वर्ड नहीं था, अरे एक सीन था, कोई मिल गया मैं, माँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन माँ मुझे सब दिख रहा है, वो वाला याद है आपको, ठीक है वो वाला सीन था ये, ठीक है सेम वैसे ही कुछ है। अब देखो इसके सिनोनिम क्या निकल के आएगा, ठीक है, कॉमेडी, अभी मैं भी वही कर रहा था इधर, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया आपके पास में, इवन डिस्प्ले हो गया, ड्रामा हुआ, इवेंट हुआ, एक्स्ट्रा वेगेंजा हो गया आपके पास में, मूवी हो गया, पेगेंट हो गया आपके पास, पैरेट परफॉर्मेंस हो गया, फिनॉमिनन हो गया आपके पास में, सीन साइट स्पेक्टिकुलर स्पेक्टिकुलर होगा, टैबली हो गया आपके पास में, क्यूरियोसिटी, स्पेक्टिकल का मतलब कोई चश्मा खोल के देखता है ऐसे, तो वो क्यूरियस होता है उस टाइम पे, तो एक सेंस के थ्रू जाएगा, डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं है ये कि क्यूरियस इसका मीनिंग डायरेक्ट निकल के आएगा, लेकिन एक वे में हम इसको यूज कर सकते हैं, और कोई सेंटेंस ऐसा बना तो उसके थ्रू इसका मीनिंग ये निकल सकता है, ठीक है सिर्फ इतना सा बताना है। फिर उसके बाद में आपके पास में हाइडिंग, कोई चीज छुपी हुई है दिखेगा ही नहीं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपके पास में है, नॉर्मेलिटी हो गया आपके पास में, ऑर्डिनरियंस ऑर्डिनरीनेस, अगर ऑर्डिनरीनेस की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ नॉर्मल है तो उसमें क्यों क्यूरियस होएगा कोई, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हम लोग निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। आओ चले आगे चले, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हार्क, हार्क वर्ड जो वर्ड है ना, इसको आप अपनी डेली लाइफ में चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि हार्ड वर्क का मतलब होता है कि किसी का आपको अटेंशन चाहिए, सपोज करें कोई आपके दोस्त जा रहे हैं, आपने ओए ये क्या हुआ, आपने जो ये किया ना, ये इस टाइप से हाथ को स्विंग किया, ये आपने हार्क किया है, और ये सिचुएशन आपके पास जो होती है यूज टू ड्रॉ अटेंशन, कोई भी चीज आप ऐसी करते हो, ऐसी परफॉर्म करते हो जो किसी के अटेंशन को ग्रैब करे, अभी मैं इधर नाचने लग जाऊं अटेंशन मिल जाएगा मेरे को बहुत सारा, ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना आपके पास में, तो कोई भी चीज ऐसा ड्रॉ आप करो, मतलब ऐसा कुछ भी पोस्चर करो तो वो चीज आपके पास में, जिससे कि आपको कोई देखे अटेंशन मिले, वो चीज आपके पास में कहलाती है हार्क। अभी देखिएगा ये मैम है, मैम किसी की ओर हाय, तो ये अटेंशन ले रहे हैं उनका, ठीक है, इसके लिए देखिए हार्क, आई हियर अ डिस्टेंट ट्रम्पेट, लिसन हियर हार्कन हियर कैन हीट अटेंट माइंड प्रिक अप वंस ईयर्स, दैट मीन्स किसी के कानों में ओए सुन, ये वाला सीन जो होगा वो हार्क के सेंस में चला जाएगा, यही सीनेरियो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इग्नोर करना भी हो सकता है, अगर एक सिचुएशन हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो इग्नोर करने के सेंस में चली जाएगी, या फिर डिसरिगार्ड करने के सेंस में भी हम उसको देख पाएंगे, इवन ट्यून आउट भी हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा, ये भी हमारे पास में उसके लिए वर्ड है, ठीक है। तो हार्क का मतलब समझ में आ गया, किसी का अटेंशन लेने के लिए कुछ भी आप करते हो, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, या कोई भी पोस्चर करते हो, कुछ भी ड्रॉ करते हो, तो वो चीज आपके पास में हार्क में जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोर करते, इग्नोरेंस, ठीक है ना। आगे चलें क्या, अरे बोलो ना यार कुछ तो बोला करो, ठीक है, बोलते ही नहीं हो, नाराज हो शायद, रहो नाराज, ठीक है, मजाक करो। बुली, ये वर्ड इवन आप लोगों ने मूवीज वगैरह में तो सुना ही होगा, ठीक है, आई थिंक मुझे इसका नीड नहीं था, बट फिर भी ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बुली अ पर्सन हु पर्पजली हर्ट्स, मतलब जानबूझ के कोई डेलिब्रेटली आपको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इवन हर्ट से अच्छा यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था अनोई, क्योंकि हर्ट भी तभी होएगा जब आपको अनोई फील होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बुली करना। अभी देखो ये दोनों मैम मिलके इस बेचारी लड़की को क्या कर रहे हैं, जैसे ओए सुना नहीं तूने, ये सारी जो सिचुएशन है ये इस टाइप की, जो ये सारी की सारी चीज जो सिचुएशन आप हम लोग रखे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुली करना। अप्रेजर, रास्कल, अनोयर, बुलडोजर, हैरियर, अब कह जैसा टाटा का एक गाड़ी भी है तो उसका मीनिंग समझ में आ गया अब आपको, कि वो भी मतलब खतरनाक है और की तरह। प्रोसिक्यूटर, पेस्ट, राउडी, राउडी वर्ड मतलब ये वर्ड इंडिया में इतना फेमस हो गया ना मूवी के बाद में, कि राउडी, राउडी मीन्स हो गया जो दबंग है थोड़ा सा, रफिन हो गया, टीज हो गया, टॉर्मेंटर हो गया, एंटेगोनाइजर हो गया आपके पास में, ब्रोबिटर हो गया, कर्सर हो गया आपके पास में, हैक्टर हो गया, इंटीमिडेटर हो गया आपके पास में, ठीक है, क्या सेंटेंस था देखना, डोंट ट्राई टू बुली मी इनटू मेकिंग ए डिसीजन, कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम जबरदस्ती मुझे उसके लिए पुश मत करो, ठीक है, तो इवन आई कैन से
कि जो बुली वर्ड है वो आपको किसी के लिए पुश करने के सेंस में भी आ सकता है, जबरदस्ती आप उसको धक्का दे रहे हो तो ये भी बुली करना ही। चल रहा है कोई लड़का चल रहा था रास्ते में, धक्का दे दिया उसको, बुली तो किया ना आपने उसको, ठीक है ना। द वर्ड वी हैव एंटोनिम। अगर इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हम लोग देख रहे हैं तो एंटोनिम क्या होंगे हमारे पास में, बैड, ठीक है, ऑपोजिट। आई थिंक बुली को हम लोग बेड को बेड बोलना चाहिए था ना, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि अपने को बैड इसको बोलना चाहिए, क्योंकि बुली वर्ड बैड होगा ना, नहीं होगा क्या, हुआ ना। बट इसको समझो, अगर हम लोग अपोजिट के सेंस में जब इसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, बुली को, तो बुली के ऑपोजिट में वो तो क्या कर रहा है आपके पास में, नॉर्मल है, दैट मीन्स वो शांत, मतलब कहीं पर जो बुली कर रहा है वो तो उसका नेचर बुरा है, लेकिन सामने वाला क्या है वो उसका उससे ज़्यादा बुरा है, तो उसे हम लोग ऑपोजिट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो जनरेट हो जाएगा कि वो अंदर से खुद को, लोगों को या सभी को बुरा समझने लग जाएगा, तो उसके ऑपोजिट में बैड निकल के आया है, ठीक है, इन अ सेंस निकल के आया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग निकल के आना चाहिए था वो आपके पास क्या होना चाहिए था, पैथेटिक या फिर टेरेबल, ये आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि बुली किसको किया जा सकता है, जो कमजोर होगा, थोड़ा वीक होगा, ठीक है, इंफीरियर होगा, थोड़ा सा एट्रोसियस होगा आपके पास में, अनसेटिस्फैक्टरी होगा, लो ग्रेड होगा, सब स्टैंडर्ड होगा, एक्सक्रेबल होगा आपके पास में, सेकंड क्लास होगा, वाइल होगा, पुअर होगा, ऑफुल होगा, रोटन होगा, रेस्ड होगा, लाउजी होगा, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंज होगा, ठीक, इस टाइप के जो वर्ड जो नॉर्मल नहीं हो पाते उन उन्हीं बच्चों को हम लोग मान सकते हैं कि उनके साथ उनको ही बुली किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मैं भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, औरों के भी ओपिनियन हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके, बट मेरा एक जो ओपिनियन बस बता पा रहा हूँ वो यहीं तक जा पाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्पर। स्पर का मतलब होता है किसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन दिखा रहे हैं, तो वो हम लोग दिखाते हैं स्पर के थ्रू, ठीक है। मैं आपको बोलूं ओए पढ़ लो एग्जाम आ गया, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ही है, ये जो मेरे वर्ड्स आपको हैं ये स्पर का काम करेंगे, स्पर वेंटिंग, स्पर मींस मोटिवेट करने का जो काम करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर, ठीक है। टू अर्ग, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं या जगा रहे हैं, अवेक कर रहे हैं या अवेयर कर रहे हैं, और अवेयर करके उससे काम करने की बोल रहे हैं, तो वो चीज़ मोटिवेट करवा रहे हैं, ठीक है, प्रेरणा हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक्टिवेशन, आपने उसको एक्टिवेट किया है, एक्चुएशन कैटलिस्ट हो गया आपके पास में, एक्सिस्टेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गॉड हो गया, गूज हो गया, एम्पैटस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड हियर, एम्पैटस को आप लोग प्लीज समझे, ये वर्ड काम का है, इम्पल्स हो गया, इंसेंटिव हो गया आपके पास में, इंसिटेशन हो गया। इंसेंटिव कब मिलता है, मतलब इंसेंटिव आपके कुछ अच्छे काम के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए मिलता है कि हाँ आप आगे और भी करते रहो, ऐसा इंसाइटेशन हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया आपके पास, मोटिवेशन हो गया, मोटिव हो गया, नीडल हो गया, प्रिक हो गया, स्टिमुलेंट हो गया, स्टिमुलेंट भी अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ट्रिगर हो गया, टर्न ऑन हो गया, ठीक है, अर्ग हो गया, समझे इसका सेंटेंस को। द कोच इंस्पायरिंग वर्ड्स एक्टेड एज ए स्पर, जो कोच के जो शब्द थे, इंस्पायरिंग वर्ड्स थे, उन्होंने स्पर मोटिवेशन का काम किया उसके लिए, ठीक है, ये इधर मोटिवेटिंग द टीम टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि जो टीम है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, किसी को आपने क्या कर दिया, रोक दिया, हॉल्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया या फिर हॉल्ट कर दिया, तो उसे आप लोग बोलोगे डिटेरेंट कर दिया, डिस्करेजमेंट हो गया, हैंडरेंस हो गया आपके पास में, प्रिवेंशन हो गया किसी को लेके, प्रोहिबिशन हो गया, कर्ब हो गया, ये सब आपके पास में इसके लिए वर्ड हो सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेटल, ठीक है, माफी चाहूंगा गिर गया था ये, रेटल। रेटल वर्ड को अगर हम लोग देखें तो रेटल का मतलब होता है किसी चीज से आवाज करना, किसी चीज का आवाज करना, इवन टू मेक ए नॉइज वी कैन से, ठीक है, खड़खड़ करने की जो आवाज हो या फिर गड़गड़ करने की आवाज हो, कुछ भी अगर आप जानबूझ के कर रहे हो और खुद से कर रहे हो, तो उससे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में वो चीज रेटल हो रही। अब जहाँ यहाँ पर देखना, ये बेबी है, बेबी छोटा वाला बेबी, वैसे मार्केट में आजकल बड़ा बड़ा बेबी भी आता है, ठीक है ना, छोटा वाला बेबी की बात हो रहा है, तो ये बेबी अब क्या कर रहा है, इनके हाथ में कोई टॉय है, अब उसको इसे बार बार बजाएंगे, ये ऐसा वाला टॉय कि इसकी इससे बार बार करेंगे तो बार बार ऐसे खड़गड़ का आवाज होएगा, और ये जो चीज़ है आपके पास में, यही चीज़ आपके पास क्या करना हो गया, रेटल करना, इवन वीके से बाउंस कर रहा है,
ठीक है, जार हो गया, जोल्ट हो गया, नॉक हो गया, शेक हो गया, ये शेक करेगा ना इसको ऐसे, शटर हो गया, वाइब्रेट हो गया, बिकर हो गया, क्लैक हो गया, क्लैटर हो गया, ड्रम हो गया, जैंगल हो गया, जाउंस हो गया, इवन साउंड भी इसके लिए वर्ड है। द विंडोज वर रैटलिंग ऑल नाइट इन द विंड, ठीक है, जो विंडो थी वो रात भर किसकी वजह से, हवा की वजह से रैटलिंग करता रहा, रैटलिंग का मतलब खड़खड़ करता रहा, तो वो चीज़ ये वाला। अपोजिट, किसी को अपीज करना, प्लैकेट करना और सूद करना, दैट मीन्स कोई चीज़ काम है, शांत है, इवन हम लोग इसके लिए एक वर्ड देख सकता है, काम हो सकता है। कहाँ गया रही। तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो पीस भी हम लोग वर्ड देख सकते हैं, ये इसके लिए वर्ड हो सकते हैं। आई होप ये आज की हमारी जो सेशन था वो यहीं पे एंड होगा, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे एंड करें, और आई होप कि आपको इस समझ में आई हो, इस चीज़ को आपने समझा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डे बाय डे इस चीज़ को और थोड़ा अच्छा करूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए चीज़ें, ज़्यादा कुछ बेहतर करता रहूँ। इसके लिए आपका मोटिवेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें, तो मैं चाहूँगा कि उस वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, बस इतना सा ही नीड है और कोई नीड नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ाई करो, मस्त रहो, जहाँ से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो पढ़ो, पर साथ में इस चीज़ को देखते रहो, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा करता रहूँ। तो आज की बात हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, शट अप, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।